नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है भारत न्यूज 24 के इस खास पेशकश में। झारखंड विधानसभा में सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन की कार्यवाही के बीच बीजेपी के विल में आकर हंगामा किया, जिसके बाद बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन की कार्यवाही में 4 विधेयक पारित किए गए हैं। पारित किए गए विधेयकों में आरोग्यम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी विधेयक 2023, सी वी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी विधेयक 2023, झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2023 और झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक 2023 शामिल है। राशि लगभग 81,409 साहब में तक हरमंदिर जी। मान्य सदस्य श्री अमित कुमार यादव जी अध्यक्ष महोदय, कोडरमा जिला आना पड़ा है और साथ ही साथ महोदय ग्राम प्रधानों की जो मासिक राशि है पर निवास कर रहे हैं, जो तबाद कर रहे हैं उनको वन अधिकार कानून के तहत वन पट्टा दिया जाए, विशेष कैंप आयोजित कर। माननीय श्रीमती दीपिका पांडे सिंह स्वविश्व। महत्वपूर्ण योजनाओं की शेष बची राशि लगभग 81,409 साहिब में तक हरमंदिर जी है, उसका प्रबंधन 1955 से 15 सदस्यीय समिति करती है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग देखने को मिली है तमाम मुद्दों को लेकर। जैसे अगर बात कर ले मणिपुर के मामले को लेकर और अगर बात कर ले नियोजन नीति की मांग को लेकर, साथ ही साथ सुखाड़ के मुद्दे पर भी लगातार चर्चाएं होती रही। विपक्ष के द्वारा हंगामा किया गया है। लगातार विपक्ष सरकार को कानून व्यवस्था, नियोजन नीति, स्थानीय नीति जैसे मुद्दों को लेकर घेरती नजर आई। वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात कर ले तो मणिपुर मामले को लेकर बीजेपी पर सीधे तौर पर हमला बोला है सत्ता पक्ष के विधायकों ने और मणिपुर पर जवाब मांगा है। मणिपुर पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन इस दौरान बीजेपी विधायकों ने सदन में हंगामा किया और वेल में भी आकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद सदन से वॉकआउट कर गए। आपको बता दें कि आज के मॉनसून सत्र के चौथे दिन 4 विधेयक पारित किए गए हैं, जिसमें आरोग्यम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी विधेयक 2023, सी वी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी विधेयक 2023, झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2023 और झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक 2023 शामिल हैं। लगातार मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि जनसरोकार के मुद्दे पर बातें भी हो रही हैं। विधायक अपने अपने क्षेत्रों के जनता की समस्याओं को पटल पर रख रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरह से इस बार बारिश कम हुई है, पिछले साल की तरह सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सुखाड़ इस वक्त का सबसे गर्म मुद्दा बताया जा रहा है और सुखाड़ के साथ साथ नियोजन नीति, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी नोक झोंक देखने को मिली। और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी धनंजय लगातार बने हुए हैं। धनंजय, आज सदन में 4 विधेयक पारित किए गए हैं, आरोग्यम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो या सी वी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी हो या फिर अधिवक्ता कल्याण निधि निधि हो और साथ ही साथ कारखाना संशोधन विधेयक भी शामिल है। पहले तो आप इन चारों विधेयकों के बारे में तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें। आयुष, देखिए विधेयक पहले भी पारित हुआ था, इसको संशोधित करके चारों विधेयक संशोधित किया गया। मेन जो विधेयक है वो विधेयक है कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक 2023। चारों विधायक में सबसे मेन इम्पोर्टेंट यही विधेयक इसलिए माना जा रहा है कि पहले महिलाओं को 7 बजे से लेकर सुबह शाम को 7 बजे से
रात में 10 बजे के बाद महिलाओं को काम करने के लिए मनाही था, लेकिन अब शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक भी काम कर सकेंगे। यानी जो कारखानों में जो काम कर रहे थे महिलाओं पे पहले बैन था, रात्रि में वर्किंग के लिए बैन था, लेकिन अब विधेयक संशोधित होने के बाद अब रात्रि में भी महिलाएं काम कर पाएंगे। इसमें कई सवाल भी हो गए। बीजेपी पक्ष के द्वारा नेताओं ने साफ साफ कहा कि महिलाओं पे झारखंड में ऐसे ही महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है और इतनी घटनाएं हो रही हैं, रात में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे और विधेयक को पारित करके और असुरक्षित महिलाओं को कर दिया गया। तमाम चीजों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ये वार देखने को मिला। सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं सत्यनाथ भोक्ता, जिसने विधेयक को पारित पेश किया था, उन्होंने साफ साफ हमारे साथ बात करते हुए कहा कि उन्होंने महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए, महिलाओं को भी आगे बढ़ाने को लेके हम लोग विधेयक लेके आए हैं और तमाम महिलाएं भी अब पुरुष के साथ मिलकर भी काम कर पाएगी। तो अपने अपने जगह पे आप देखने वाली बात होगी महिलाओं का क्या इसमें रिएक्शन आता, तभी इसमें जाके समझा सकता है कि महिलाएं कितना सुरक्षित है या असुरक्षित है झारखंड में। और दूसरे पे सीवी रमन ग्लोबल विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 की है, झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन 2023, और एक जो विधेयक था आरोग्य इंटरनेशनल, तमाम जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का है, जो तमाम जो यूनिवर्सिटी में नियम लागू होते हैं उन इन विद्यालयों में भी नियम लागू होंगे, उसको संशोधित करके पारित किया गया है। अब आयुष जी, आपने बताया तमाम विधेयकों के बारे में जो आज सदन में पारित किया गया है। एक बात जो आपने बड़ी अच्छी बताई वो कारखाना संशोधन विधेयक 2023 के बारे में कि अब महिलाएं भी शाम 7 बजे के बाद काम कर सकेंगी। तो क्या एक तरफ जहां महिला सशक्तिकरण को लेकर बातें हो रही हैं, वहीं अगर विपक्ष की बात कर ले तो विपक्ष महिला असुरक्षित है ये बात कह रही है। तो एक तरफ जहां सरकार महिलाओं के हित में सोच रहा है, विधेयक लाए जा रहे हैं, क्या इस विधेयक का भी विरोध किया गया था? देखिए, विधेयक जैसे पटल पर रखा गया, विधेयक पटल पर रखने के बाद सरकार पास बहुमत है, बहुमत से पारित कर दिया गया, लेकिन विपक्ष वाले जो विधायक हैं, सभी विधायकों ने पुरजोर विरोध इसलिए किया जा रहा था, विरोध करने का मकसद भी झारखंड में महिलाएं पे जो शाम को निकलेंगे तो एक डर का भावना है, क्योंकि जो मजदूर तब के लोग काम करते हैं, शहर में आके काम करते हैं और रात में और नाइट शिफ्ट में आएंगे और कितना सुरक्षित महसूस करेगा, ये तमाम चीजों के लिए सवाल खड़ा भी कर रहा है, क्योंकि झारखंड में लॉ एंड व्यवस्था जो है सबके सामने में है। इन तमाम बिंदु को लेके ही बीजेपी इस पे विरोध कर रही थी। महिला जो सशक्तिकरण है उनको लेकर बीजेपी हमेशा आगे बढ़ते आ रहे हैं, उनका बीजेपी का कहना, प्रधानमंत्री हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ चढ़ के समर्थन भी करते हैं, लेकिन यहां सबसे बड़ी बात है सुरक्षा की बात है, सुरक्षा को लेकर सरकार पर सवाल खड़ा हो रहा है, इन तमाम चीजों के लेके ही बीजेपी इस विधेयक को विरोध कर रही थी। आयुष जी, आपने बताया कि लगातार विरोध किया जा रहा था, क्योंकि अगर झारखंड की मौजूदा कानून व्यवस्था की बात कर ले तो जिस तरह से हमला हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, इस पर लाजमी है सवाल उठना। लेकिन जो विपक्ष के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, क्या एक तरह से ये नहीं कहा जा सकता है कि अगर महिलाएं बढ़ चढ़ कर किसी काम में हिस्सा लेंगी तो जो डर है, भीतर का डर है, अभी भी कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ शिक्षा पूरी तरह से नहीं पहुंची है, मूलभूत सुविधा पूरी तरह से नहीं पहुंची है, ऐसे में अगर एक महिला काम में हाथ बटाती है, चाहे वो दिन हो या रात हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या परिवारों के लिए, जनता के लिए, झारखंड के जो लोग हैं उनका जो आय है वो अधिक नहीं बढ़ेगा, क्या उनके परिवारों को मदद नहीं मिलेगा? इस पर बीजेपी क्यों बात नहीं कर रही है? आयुष देखिए, बीजेपी महिलाओं को लेकर अगर जैसे बात करें तो हर झारखंड से बाहर की अगर बात करें तो झारखंड के बाहर में महिलाओं नाइट शिफ्ट में भी काम करती है, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी हो या फिर तमाम जी उसी के मद्देनजर मैं ये या बात फिर कह रहा हूं। जितने भी प्राइवेट कंपनी सभी जगह काम उसी के मद्देनजर मैं ये बात उसमें कह रहा हूं। काम करती है। और आयुष सबसे बड़ी बात है बीजेपी जी, आप यहाँ झारखंड की अगर बात करें, झारखंड में पहले जो रघुवर दास की जब सरकार थी तब इसमें रोक लगा दिया गया था और सुरक्षित जो महसूस नहीं कर पा रहे थे महिलाएं के द्वारा जो तमाम सवाल खड़ा हो रहे थे, उन तमाम चीजों को लेकर विधेयक उस रघुवर दास की सरकार में लाया गया था और नाइट शिफ्ट बंद कर दिया गया था, लेकिन जब जेएमएम सरकार के जो विधायक मंत्री हैं उनके द्वारा आज संशोधित करके पारित कर दिया गया। अब सवाल यह है कि देखिए महिलाएं कितने सुरक्षित है, महिलाओं से बात करना भी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि महिला काम करने के लिए इच्छुक है कि रात में नहीं, कई ऐसे महिलाएं हैं जो रात में निकलने में डर लग रहा है, क्योंकि दिन के जो मॉर्निंग वॉक में नहीं हुई ना कि ये तो अगर मान लीजिए जो महिला काम करना चाहती है
हैं वो काम करेंगी, जो नहीं करना चाहती वो नहीं करेंगे। तो इसमें इच्छुक है नहीं इच्छुक है, इसमें तो विपक्ष को कोई सवाल ही खड़ा नहीं करना चाहिए। देख, विपक्ष का बात यह कहना था कि दिन में जैसे महिलाएं निकलती हैं मॉर्निंग वॉक में निकलती है या फिर कोई मार्केट ही निकलती है तो उनके साथ छिनता ही हो जाता है, उनके साथ अभद्रता कर दिया जाता, छेड़छाड़ हो जाता है। तो इन तमाम अगर दिन में ही इस तरह से घटनाएं झारखंड में घट रही है तो रात की बात, रात में तो सिक्योरिटी उतनी कम, बहुत कम हो जाते हैं। उस मोमेंट का तो अपराधी मौका उठा के महिलाओं के साथ कुछ भी कर सकता है। इन चीजों को देखते हुए बीजेपी सवाल खड़ा कर रही थी। बीजेपी के जो विधायकों से जो बात किया मैंने, उनके साफ कहना कि हमें महिलाओं को काम करने से रोकना नहीं है, महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकना नहीं है, लेकिन जो असुरक्षित है झारखंड में लॉ ऑर्डर सही कर दे, लॉ एंड ऑर्डर पर जिस तरह से मौजूदा स्थिति है उस पर सवाल उठना वाजिब सी बात है। ऐसे में अगर महिलाओं को ये छूट दी जा रही है और विधेयक जो पारित हुए हैं कि 7 बजे के बाद महिलाएं अब काम कर पाएंगी, तो इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए भी अच्छा है, झारखंड के लोगों के लिए भी अच्छा है। लेकिन मौजूदा झारखंड सरकार को सतर्क होना होगा, प्रशासन को सतर्क होना होगा, क्योंकि अब महिलाएं कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगी तो उनकी जिम्मेदारी है कि इन्हें सुरक्षा मुहैया कैसे कराई जाए। ना सिर्फ महिलाओं को, राज्य की जनता को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था आप कैसे दे सकते हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, ये तो रही महिला सुरक्षा की बात और कारखाना विधेयक की बात। अगर लेकिन हम बात कर ले मौजूदा स्थिति झारखंड की, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कृषि प्रधान क्षेत्र हैं, जहां कृषि पर ही लोग निर्भर हैं। ऐसे में बारिश कम हो रही है, सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कांग्रेस विधायक ने, अंबर प्रसाद ने, केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ते हुए कहा है कि केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, लोगों के लिए कुछ कर नहीं रही है, सुखाड़ की स्थिति है लेकिन केंद्र सरकार का ध्यान इस पर नहीं है। इस पर क्या कहेंगे, क्या बातचीत हुई और क्या हो हल्ला हुआ है इस बात पर? देखिए, सदन जैसे मैं अब स्टार्ट से बताता हूं, सदन जैसे स्टार्ट हुआ, एक तरफ सत्ता पक्ष किसान के जो बकाया राशि केंद्र सरकार के पास वो मांग के लिए हंगामा करने लगे और सदन के वेल में आ गए। दूसरी तरफ बीजेपी विधायकों का कहना है कि हम जो भी आकलन किया गया था उसके अनुरूप ही सरकार को सरकार के द्वारा किसी के जो बकाया राशि था वो दिया गया है। अब अंबा प्रसाद की बात कर रहे हैं या फिर तमाम जो कांग्रेस या जेएमएम विधायकों से हमने बात किया तो उनका साफ साफ सुबह से जब सदन स्टार्ट होने से पहले ही विधानसभा के बाहर में ही प्रोटेस्ट करने लगे कि जो बकाया राशि किसान का जो बकाया राशि उनको सहायता राशि उसको देना चाहिए ताकि हमारे सरकार को आना चाहिए ताकि हम किसानों को मुहैया कराया जा सके। लेकिन साफ साफ कहना कि करोड़ों रुपया जो बकाया है, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने भी साफ आंकड़ा द्वारा बताया कि बहुत सारे ऐसे पैसे बाकी है केंद्र सरकार पे जो अभी तो हमें नहीं दिया जा रहा है। हमें कहा गया था कि सभी जो आकलन करने के बाद पैसे भेजे जाएंगे लेकिन हमें बताया जा रहा है कि जो आपदा विभाग में जो फंड है उस फंड से किसानों को मदद करिए, जो कृषि विभाग से जो पैसा आना था नहीं आ पाया। इन तमाम चीजों को लेकर सदन में हंगामा भी हुआ। और दूसरी तरफ विपक्ष की बीजेपी की बात करें तो उनका कहना था कि जो हमें सरकार को जो आकलन करके रिपोर्ट दिया जाता है, रिपोर्ट के तर्ज पे ही पैसा दिया जाता है, ऑडिट होती है, केंद्र की टीम आती है उनके द्वारा ऑडिट किया जाता है तभी पेमेंट वहां पे आता है। तमाम चीज को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों इसी मुद्दे को लेकर सदन हंगामा भी रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें किसान पिसते हुए जा रहा है। किसानों के पास अभी सब झारखंड की अगर बात करें तो किसान पे ही निर्भर होता है, पूरा झारखंड खेती पे ही निर्भर होता है। और इस बार पिछले साल भी मानसून का स्थिति बहुत ही खराब था, खेती नहीं हो पाई थी, और इस बार भी अभी तक सभी जिलों में खेती नहीं हो पाई, मुश्किल से हो सकता है 10-20% ही खेती हुई होगी। जो आकलन होगा 15 अगस्त के बाद ही आकलन होगा क्योंकि कृषि मंत्री का कहना है कि 15 अगस्त तक मानसून का हम लोग देखते हैं, 15 अगस्त तक बारिश अगर नहीं होती है उसके बाद राज्य की टीम आकलन करती है और राज्य की टीम द्वारा केंद्र को भी एक लेटर लिखा जाता है, केंद्र की टीम झारखंड में या जहां पे सुखाड़ होता है वहां पे आती है, उसको राज्य सरकार की टीम के साथ उस क्षेत्र का भी दौरा किया जाता है और एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है और केंद्र से भी राशि सहायता राशि भी दी जाती है और राज्य सरकार के द्वारा भी राशि दी जाती है। लेकिन एक रिपोर्ट हमारे पास है केंद्र सरकार के जो बकाया राशि है उसके अलावा भी राज्य सरकार के द्वारा जो प्रकलन राशि है वो राशि भी किसानों को अभी तक पूरी तरह से मुहैया नहीं करा पाया। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको अभी तक पूरे पेमेंट जो उनको मिलना चाहिए, सहायता राशि मिलनी चाहिए, पिछले साल का अभी तक नहीं मिल पाया। तो इस साल का भी अगर बात करें तो रोपा काम अभी तक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो पाया। रांची से बाहर की अगर अभी आज से ही देखें, मौसम विज्ञान ने कहा है कि अभी 4-5 दिन बारिश होगी लेकिन काफी देर हो चुकी है। अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं किसानों को राहत हो सकता है। लेकिन अभी तक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें अपने दर्शकों को
कि लगातार बारिश में कमी की वजह से सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हालांकि आज मौसम की बेरुखी थोड़ी कम देखने को मिली है, बारिश आज सुबह से ही हो रही है और मौसम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि अभी कुछ दिनों तक झारखंड में झमाझम बारिश होने की आशंका है और किसान कहीं ना कहीं बादल देख रहे हैं, आसमान में नजरें टिकाए हुए देख रहे हैं और बारिश का इंतजार कर रहे हैं। और साथ ही झारखंड विधानसभा की अगर बात कर ले तो सुखाड़ को लेकर झारखंड विधानसभा में भी जुबानी जंग देखने को मिली है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। लेकिन अब देखना यह होगा कि कल जब सदन की शुरुआत होती है मानसून सत्र को लेकर, कल जब चर्चाएं होती हैं तो कौन कौन से मुद्दे अहम होंगे, क्या सुखाड़, क्या कानून व्यवस्था, क्या नियोजन नीति और क्या जो आज चार विधेयक पारित हुए हैं उस पर चर्चा होगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।